Good evening, good evening, good evening everyone. So, आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश पर मैं हूं भूमिका चौहान और आज होने वाली है वो क्लास जिसका बच्चों को था बहुत समय से इंतजार। जो है मुझे दूर हो जाएगा सिंथेसिस की यहाँ पर मेरे चैनल पर जो क्लास लगने वाली है उनके जरिए मैं चाहूंगी एक बार सभी के सभी बच्चे क्लास को फटाफट से ज्वाइन कर लें और उसके बाद में आज का ये कार्यक्रम सिंथेसिस का शुरू कर दूंगी देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी अगर देरी करोगे तो अगर एक भी चीज मिस हुई ना इस टॉपिक में अगर तुम्हारी इस टॉपिक के अंदर एक भी चीज मिस हो जाती है प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए फिर तुम कंफ्यूजन में रह जाओगे कि मैम अच्छा यहां पर ये यह ऐसे क्यों हुआ मैम उसमें यहां पर ऐसे क्यों नहीं हुआ ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग राम राम गुड इवनिंग बहुत बढ़िया एक बार सभी बच्चे ज्वाइन कर लें दो मिनट का समय हम लेंगे ठीक है जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है और उसके बाद मैं आज अपनी क्लास स्टार्ट कर दूंगी ठीक है एक बार हम लोग फटाफट से शुरू कर देंगे फिर अपनी क्लास को जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आ जाइए सभी बच्चे आ जाएंगे एक बार वो मैम की आर्मी रेडी है रेडी है वेरी नाइस nice, बहुत अच्छे बहुत अच्छे कोटी कोटी प्रणाम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक मिनट का समय और उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है ठीक है काफी सारी क्लासेस होंगी पर आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगी क्योंकि आज ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी ठीक है सिंथेसिस क्या है किस तरीके से अलग अलग जो सेंटेंसेस की बात होती है वो सेंटेंसेस क्या सिंपल सेंटेंस 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 क्या 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 है क्या है क्या है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपल्स होते हैं बेसिक आज आपके क्लियर किए जाएंगे इस क्लास के अंदर तो देर नहीं करते हुए सारे बच्चे एक बार शेयर कर देंगे क्लास को बिल्कुल सभी इलेवेंथ के लिए भी है ट्वेल्थ के लिए भी है हाँ दोनों क्लासेस के लिए होने वाला है सभी बोर्ड्स में जिस भी बोर्ड में सिंथेसिस टॉपिक आता है बिना सोचे समझे ये क्लास लगा लो कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है ठीक है ग्रामर का पोर्शन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है ठीक है और अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने बोला आज मैम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो कल दूसरा बच्चा बोलेगा मैम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो वैसा पॉसिबल नहीं है पर इस सेशन की क्लासेस बेटा डली हुई है, है ना आप वो क्लासेस देख सकते हो और जब वापस जब कभी वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो आप तब भी उन्हें पढ़ सकते हैं एक बार अपन हंड्रेड क्रॉस करेंगे उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग शेयर करते हैं फटाफट से तो यस yes. जल्दी 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 एक बार हंड्रेड क्रॉस करेंगे उसके बाद आगे करेंगे हाँ पीडीएफ भेज देंगे आपको पीडीएफ मैंने उस दिन भी भेज दिया था फ्राइडे को भी मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया था राइट चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास की और आज एक मेरा इसमें सेल खत्म हो चुका है कोई है क्या यहाँ पे हेलो हेलो आनंद से में सेल डाल के देना हम्म चलो तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंसेस ऊपर मैंने लिखा हुआ है अलार्म भी बज गया मेरा वेरी नाइस nice. अलार्म क्यों बजा भाई स्टॉप 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 चलो रेडी एवरीवन शुरू करें चलिए हमारा टॉपिक है सिंथेसिस सिंथेसिस के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में भी है ना ये 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 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे अब क्या करेंगे सभी बच्चे केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे कहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे ठीक है जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी सबसे पहली चीज हमने जानी है. हमारे टॉपिक का नाम है सिंथेसिस सिंथेसिस का मतलब क्या होता है इसका मीनिंग भी तो पता होना जरूरी है ना ऐसा तोड़िए कि हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा राइट right? दो अलग अलग चीजों को कंबाइन किया जाता है एक चीज बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन अगर आपने देखे होंगे तो देखिए ना एक चीज होती है दो चीज होती है दोनों को कंपेयर कर दिया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है आता है इसी को तो सिंथेसिस कहते हैं अलग अलग विचारों को अलग अलग धारणाओं को सम्मिलित करना तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिंथेसिस क्या है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो सिंथेसिस है वो एक सिंपल सी चीज है हम यहां पर सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं तो इसको अगर हिंदी में जानना है तो हिंदी में इसे बोलते हैं संयोजन या संश्लेषण ठीक है इनका मतलब होता है कंबाइन करना ठीक है इंग्लिश में मतलब अगर समझोगे तो कंबाइन करना अब कंबाइन करते क्या है हम हम इसके अंदर बेटा जी सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस करते हैं सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस करते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं इज इक्वल टू या तो हम इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे यहां हम इन दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और यहां हम इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे यही तीन चीजें हमें पढ़नी और यही तीन चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं कि भाई सिंपल सेंटेंस बनाओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ ठीक है मैम ये तो बना लेंगे पर हमें पता तो हो कि आखिरकार ये होते क्या है? है ना ये भी तो जरूरी है ना इनका पता होना जरूरी है या नहीं है कि आखिरकार ये सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं? तो देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है सबसे पहली चीज हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं होता जिसके अंदर एक क्या हो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज हो मतलब मतलब कि वो अपना अर्थ पूरा कर रहा हो 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 और और उसके अंदर एक हो और एक सब्जेक्ट वर्ब तो क्लॉज क्या होता है अब इसके लिए बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है राइट right? कि भाई क्लॉज क्या होता है मैम आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल दिया क्लॉज क्या होता है तो क्लॉज कुछ नहीं होता जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब यूनिट हो सब्जेक्ट एंड वर्ब जिस भी सेंटेंस के अंदर होगा वो क्लॉज कहलाएगा ठीक है ना वो क्या कहलाएगा क्लॉज कहलाएगा कहलाएगा या, या नहीं कहलाएगा क्लॉजे और फ्रेज में यही डिफरेंस होता है तो अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होना जरूरी होता है क्लॉज के अंदर ठीक है वो क्या करे अपने आप में अपना अर्थ पूरा करे अपने आप में अपना अर्थ पूरा करे वो क्या कहलाता है आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है अब आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताऊंगी और ना ही मैं आज आपको कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको आज केवल क्या चीज बताने वाली हूं मैं आज आपको केवल सिंपल सेंटेंस की बात बताने वाली हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती आप एक परसेंट भी कंफ्यूज हो कंफ्यूजन का अपन कोई चांस नहीं रखेंगे ठीक है जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानेंगे जब हम कंपाउंड बनाएंगे जब हम कंपाउंड सेंटेंस जानेंगे आज हम सिंपल बना रहे हैं तो हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं ठीक है तो सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने क्या जाना सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने जाना कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हुई यहां तक तो कोई परेशानी आई जल्दी बताओ नहीं आई ना बहुत बढ़िया अब हमारी पहली चीज के ऊपर आ जाते हैं तीन टाइप इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे कौन कौन से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ये आता है हमारे एग्जाम के अंदर ये कब आता है हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है आज हम क्या जान रहे हैं आज हम जान रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना क्या बनाना एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं अब इसके लिए क्या किया जाएगा आठ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे क्या किया जाएगा बेटा बिल्कुल कर सकते हैं सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं भाई क्लास और शेयर कर दो यार अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है अगर आप लोग सच में ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं लगातार इस चैनल के ऊपर तो आप क्लास को शेयर जरूर कीजिए ठीक है उससे मुझे भी एनर्जी मिलती है चलो तो तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है इसके लिए क्या लगेगा एट रूल्स लगेंगे क्या लगेंगे एट रूल्स लगेंगे अब वो एट रूल्स कौन से होंगे सबसे पहले हमें उनके बारे में लिखना होगा तो क्या आप लोग साथ नोट्स -साथ बना रहे हो या फिर केवल देख रहे हो केवल देख रहे हो तो भी कोई बात नहीं सबसे पहला रूल होगा पार्टिसिपल जिसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी कि पार्टिसिपल क्या होता है ठीक है पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेकंड है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके ठीक है हर एक चीज को लिखते चलो पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सल्यूट का प्रयोग करके नॉमिनटिव एब्सल्यूट का प्रयोग करके हम बना सकते हैं चौथा है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन अब तुम्हें ये इतने भारी नाम लग रहे होंगे कहेंगे हाय हाय मैडम ये क्या ही नाम लिख रहे हो इन्फिनेटिव पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन मैम ये तो आप बहुत भारी चीजें लिख रहे हो ये तो हमें नहीं आता है ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कोई बात नहीं मैं किस लिए हूं मैं इसीलिए खड़ी हूं ना यहाँ पे कि तुम्हारी मदद कर सकूं है ना तो बस मेरे पे विश्वास रखो पांचवा नंबर क्या है पार्टिसिपल uh, की मदद से इंफिनेटिव की मदद से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से जेरिन की मदद से जेरिट तो पता होगा नहीं पता है वो भी बताऊंगी टेंशन मत लेना ठीक है सो so, इसको अगर पूरा लिखोगे तो आप लिखोगे नाउन और जेरिन से पहले प्रेपोजिशन की मदद से ठीक है बढ़िया बात है यहां तक आया समझ में पांच तरीके हो गए छठा तरीका क्या हो गया एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की मदद से एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज की मदद से कोई दिक्कत नहीं है डरना ही नहीं है इनसे <laughs> मैम पार्टिसिपल के रूल फ्रेंड्स को याद करने के लिए दिए गए थे बिल्कुल दिए गए थे उसके बाद बेटा जी बारी आ जाती है एडजेक्टिव की किसकी मदद से एडजेक्टिव की मदद से आप कैसे कर सकते हो लास्ट आ जाता है हमारा कंजंक्शन एंड की मदद से अब आप लोगों को ये आठ तरीके बताए जाएंगे जिनकी मदद से आप क्या कर पाओगे एक सिंपल सेंटेंस को आ, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की जो विधि है तो उसमें दो को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस इन तरीकों से बनता है एग्जाम के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाने का सवाल आ जाता है नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं ठीक है नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं एग्जाम के अंदर तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है पार्टिसिपल का प्रयोग करके फर्स्ट वाला पार्ट आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और मैंने आप लोगों को बताया कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप लोगों को भी पूरा सब्र रखना होगा और मैं बार बार इस टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है ना हाँ आगे बढ़ जाऊं यहां तक का क्लियर हो गया अब मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी थोड़ी सी पार्टिसिपल के बारे में जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी ठीक है बेटा ठीक है ना पार्टिसिपल के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि कोई भी चीज जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार इसका मतलब क्या होता है केवल अंधों की तरह यह नहीं कि पार्टिसिपल का मदद से बोला है मैम ने तो हम मान लेते हैं पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है क्लास में अलग से स्टैंड करना है ना तो तुम्हें सच में पता होना चाहिए है ना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इतने सारे रूल तुम्हें कुछ नहीं लगेंगे कुछ भी नहीं लगेंगे तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे एक एक चीज है टेंशन मत लो तुम ठीक है ना टेंशन लेके पढ़ना है तो मत पढ़ो मेरी क्लास में बिल्कुल मत पढ़ो सिंथेसिस का यूज होता है अभी सिंथेसिस का इस्तेमाल होता है दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में या दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने में या दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में ठीक है पहला तरीका जो है सिंपल सेंटेंस बनाने का वो हो जाएगा आपका पार्टिसिपल अब पार्टिसिपल क्या होता है पार्टिसिपल कुछ भी नहीं होता ये बनता है किससे वर्ब से सुनी मेरी बात किससे बनता है ये वर्ब से बनता है और इसका काम क्या होता है नाउन को मॉडिफाई करना या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करना या वर्ब और वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करना ठीक है तो ज्यादातर पार्टिसिपल आपको एक एजेक्टिव का काम करते हुए दिख जाएगा अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल के जरिए समझना है जल्दी बताओ एग्जाम्पल के जरिए समझना है देखो मैं समझाती हूं आपके पास मान लीजिए वर्ब है टू रन ये आपकी वर्ब है मान लीजिए ठीक है अगर आप इसका पार्टिसिपल बनाएंगे राइट right? तो कैसे बन जाएगा मान लीजिए आप इसका पार्टिसिपल बनाते हैं ऐसे रनिंग बताऊंगी अभी ये कौन सा पार्टिसिपल है डरने वाली बात नहीं है ठीक है तीन तरीके के होते हैं यस yes. पार्टिसिपल इसका बना रनिंग अगर मैं एक सेंटेंस बनाती हूं ही इज अ रनिंग मशीन वो क्या है वो एक रनिंग मशीन है मैंने ये एक सेंटेंस बनाया यहां पर देखो इस एग्जाम्पल के अंदर जो पार्टिसिपल है पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है जो वर्ब है वो क्या थी टू रन थी उसका इस्तेमाल किया गया टू रन क्या बन गई रनिंग बन गई बनी ना जो कि एक पार्टिसिपल है और यहां पर ये इस्तेमाल हो रही है एक एडजेक्टिव के तौर पर एडजेक्टिव मतलब ये मशीन को मॉडिफाई कर रही है मशीन कैसी है रनिंग मशीन है राइट या व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज ही वो किस तरीके की मशीन है वो एक रनिंग मशीन है क्या काम कर रही है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है। तो मैंने अभी आपको इसके जरिए क्या बताया मैंने एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है पार्टिसिपल का, का काम क्या होता है ये वर्ब से बनते हैं और इनका काम क्या होता है या तो ये नाउन को या नाउन फ्रेज को या ये वर्ब को या वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं मतलब उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें देते हैं जैसे यहां पर इसने ही के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी या हम बोले मशीन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी राइट right? हा या ना है ना दी या नहीं दी बिल्कुल दी तो मैं इससे यह समझाना चाहती थी आपको कि जो पार्टिसिपल होते हैं उनका काम क्या होता है वो कैसे बनते हैं ठीक है अलग अलग तरीके के पार्टिसिपल होते हैं सबसे पहला पार्टिसिपल अगर आप पढ़ेंगे तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई बता सकता है आईएनजी लगाकर बनता है राइट वेरी नाइस जैसे कि वर्ब है मान लीजिए आपकी टू जंप इसका अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है आप कैसे बनाओगे आप बनाओगे जंप के आगे आईएनजी लगाकर किसी भी वर्ब का अगर पार्टिसिपल बनाना है कौन सा वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आप क्या लगाकर बनाएंगे आईएनजी लगाकर बनाएंगे ठीक है एडिंग आईएनजी आईएनजी ऐड करना होता है आपको किसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ठीक है ठीक है इंफिनेटिव के हाँ, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है पास्ट पार्टिसिपल कोई बताना चाहेगा पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है पास्ट पार्टिसिपल बनता है बेटा ईडी एड करके ठीक है पर सब जगह ईडी एड नहीं होता ये भी बात ध्यान रखना ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इन टू जंप क्या बन जाएगा जंपड टू ब्रेक क्या बन जाएगा पार्टिसिपल ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म यस पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो हम या बहुत सी बार ईडी एड करके बना देते हैं या बहुत सी बार अलग अलग फॉर्म भी उसकी होती है वेरी नाइस nice. उसके बाद क्या आता है परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत बढ़िया उसके बाद आता है हमारा यार क्लास में आए और क्लास को लाइक नहीं किया ना तो टीचर को मजा नहीं आता बिल्कुल भी पढ़ाने में जितने भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कुछ नहीं होता है थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान क्या रखना है बस ध्यान क्या रखना है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है ना परफेक्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है ना तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी टेकन प्लेस अब ये तो थी कुछ ज्ञान की बातें जो मैंने अभी तक आज की क्लास के अंदर करी अब मैं सीधा आऊंगी अपने टॉपिक सिंथेसिस के ऊपर ठीक है और अब हम जानेंगे कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं और फिर आप लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ठीक है चलिए शुरू हो जाइए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं आप इधर उधर की सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हम कैसे बनाएंगे मैंने क्या बोला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई लगाने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है ठीक है अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को अगर हमें जोड़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए पहली चीज रूल नंबर वन वो क्या है दोनों सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए पहला रूल नंबर वन दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए ठीक है रूल नंबर टू दिए हुए वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए रूल नंबर टू फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होने चाहिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें सब्जेक्ट सेम हो क्या हो गया जल्दी यार शेयर करो मुझे तो लगा था आज बच्चे आसमान तोड़ देंगे जमीन फाड़ देंगे है ना फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो मैम कैसे पता होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना है उसी के बारे में बात हो रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें यहां पर आप किस केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो जब आपके सब्जेक्ट सेम हो जब आपके फाइनाइट वर्ब डिफरेंट हो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं जो सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप बदलते रहते हैं है ना फॉर एग्जाम्पल शी वॉज शी सॉ लायन शी सौ अयन अगर आप ये सेंटेंस देखोगे एक मिनट बेटा एक मिनट बस मात्र एक मिनट का समय दो She saw a lion. एक हमारा सेंटेंस ही हो गया दूसरा हमारा हो गया शी शी वॉज सींग नॉर्मल सा एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते क्या इसमें अगर तुम्हें और ईजी तरीके से मुझे बताना पड़ जाए तो मैं तुम्हें और सिंपल एग्जाम्पल पे क्या कैसे दे सकती हूं जैसे यू लिव इन डेली सिंपल यू लिव इन डेली ये क्या हो गया लिव यहां पर यू के साथ यूज हो रहा है इस फॉर्म में अगर मैं बोलू शी इज लिविंग इन डेली तो यहां पर है तो लिव ही पर अगर सब्जेक्ट बदल गया टेंस बदल गया तो ये अपना फॉर्म बदल लेता है तो वो क्या कहलाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा वो एक फाइनाइट वर्ब कहलाता है तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस में अपना रूप बदल लेती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर है ना और पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेंस में अपना रूप बदल लेती हैं पार्टिसिपल का डेफिनेशन बता चुकी अभी स्टार्टिंग से क्लास देखना है ना चलो रूल नंबर टू है हमारा फाइनाइट वर्ब हमारा अलग अलग होना चाहिए तीसरा रूल क्या है बताओ तीसरा रूल है 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 कि जो भी वाक्य आपका दिया हुआ है। है ना जो भी आपका सेंटेंस दिया हुआ है फाइनाइट वर्ब में जो टाइम इंटरवल है वो ना के बराबर होना चाहिए अभी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा है ना जैसे she saw a tiger full stop she ran away मान लीजिए ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है she she सब्जेक्ट सेम saw ran finite verb अलग अलग है राइट right? क्या है एक तो सी है और एक रन है फाइनाइट वर्ब आपकी अलग अलग है अब इसके और इसके बीच का मतलब देखने और भागने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो ना के बराबर है अरे यू का शी नहीं हुआ यहां पर लिव से मतलब है हमें यू का शी नहीं हुआ है मैंने ये बताया है कि कोई भी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है जिसका अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा है ना जिसका अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा तो दूसरे टेंस के अंदर वो अपना रूप बदल लेती है यहां पर कौन सा टेंस था यहां पर कौन सा टेंस था रूप बदल गया ना बदला या नहीं बदला रूप वो रूप बदलने वाली बात बोली जा रही है बेटा ठीक है हां क्लास देखना एक बार स्टार्टिंग से याद आ जाएगी पार्टिसिपल की डेफिनेशन बताई थी कि ये वर्ब से बनते हैं और ये नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब या वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करने का काम करते हैं तो बेसिकली ये एडजेक्टिव का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तीन तरीके के होते हैं बताया तो था कैसी बातें कर रहे हो तो हमने यहां पर क्या करना है शी सॉ अ टाइगर उसने टाइगर देखा शी रैन अवे और वो भाग गई अब ऐसा तो नहीं है टाइगर देखकर वो रुकी आराम से उसने सेल्फी ली बातें करी और फिर वो भागी नहीं तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है ना के बराबर है यार मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में मुझे बाय गॉड सच्ची बता रही हूं मैं मेरे को ये इतने कम बच्चे नहीं चाहिए क्लास के अंदर अपनी इतना सारा बताना इतना एक्सप्लेन करना और आप लोग शेयर ही नहीं करोगे क्लास को तो कैसे मजा आएगा हाँ हाँ बिल्कुल आधा घंटा होने के बाद अब शुरू से बताते हैं आपको है ना शेयर करो यार क्लास को तभी मजा आएगा जितने बच्चे होंगे उतना मजा आएगा she saw a tiger, she तो अब हमें करना क्या है जल्दी बताओ अब हमें करना क्या है अब हमें कुछ नहीं करना है हमें सिंपल सा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है वो हम कैसे करेंगे जो कार्य पहले हुआ है इसके अंदर काम कौन सा पहले हुआ है देखने का काम पहले हुआ है या दौड़ने का काम पहले हुआ है बताओ देखने का काम पहले हुआ है या दौड़ने का काम पहले हुआ है जल्दी बताओ बोलो देखने का काम पहले हुआ है, है ना तो हम उसी का पार्टिसिपल बनाएंगे सी का पार्टिसिपल क्या बन गया सींग तो कैसे बन जाएगा अ टाइगर सींग अ टाइगर कॉमा बाकी पार्ट एज इट इज शी रैन अवे कोई दिक्कत आई इसके अंदर कोई दिक्कत आई इसके अंदर नहीं आई हमारा सेंटेंस बन गया इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी कुछ सेंटेंसेस देती हूं ही टुक पेन ही रोट अ लेटर बनाओ ही टुक अ पेन ही रोट अ लेटर कौन सा काम पहले हुआ है इसके अंदर पेन लेने का या पत्र लिखने का कौन सा काम इसके अंदर पहले हुआ है पेन लेने का या पत्र लिखने का बताइए शीटो का पेन ही a लेटर नहीं करेंगे क्योंकि जो काम पहले हुआ है केवल उसको पार्टिसिपल में बनाया जाएगा ठीक है ना जो काम पहले हुआ है उस वाले वर्ब को हम पार्टिसिपल में बनाएंगे बाकी का इस तरीके से यही तरीका होता है तो ये एक सिंपल सेंटेंस में बन गया कि लॉयन को टाइगर को देखते ही वह भाग गई सिंपल सेंटेंस अपने आप में पूरा मीनिंग कंप्लीट कर रहा है ये सिंपल सेंटेंस के अंदर बेटा किसी भी तरीके का कंजंक्शन नहीं होना चाहिए ठीक है कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दो सेंटेंसेस को जोड़ने में अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो, तो इसके अंदर आपको कहीं पे कंजंक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है यही इसकी पहचान है आप जब कॉम्प्लेक्स बनाओगे और कंपाउंड बनाओगे तब आप कंजंक्शन का यूज करोगे ठीक है चलो ही रोट अ लेटर ही टुक अ पेन सो टुक अ पेन का क्या बन जाएगा टेकिंग अ पेन वेरी नाइस टेकिंग अ पेन जो भी काम पहले हुआ है उसको आप पार्टिसिपल में बदलोगे और बाकी पार्ट एज इट इज ही Taking a pen, he wrote a letter. Full stop. कोई दिक्कत आई नहीं आई नेक्स्ट वन ड्रू his enemy. ही बनाएंगे और इस सैटरडे आपका मेंटी होने वाला है इस हफ्ते के सैटरडे को जितना भी पढ़ाया जाएगा मेरे वाले पार्ट में और फिजिक्स वाले सर आपके विपिन सर के साथ हम यहां पर खेलेंगे ठीक है जल्दी बनाएंगे ही ड्रू हिज स्वी टॉक ही अटैक्ट हिज एनिमी बहुत आलसी बच्चों यार तुम्हारे साथ ना कोई मजा नहीं है बाय गॉड बिल्कुल ऐसे मतलब जीरो एनर्जी के साथ इतनी तो जल्दी इतनी वेरी नाइस ड्रॉइंग हिस् स्व वेरी नाइस ही अटैक्ड हिज एनिमी गुड वेरी नाइस टू ड्रॉइंग स्वॉड ही निकाली होगी ना हिज स्वॉड ही अटैक्ट हिज एनिमी बहुत ही बढ़िया अब देखो जब नया रूल है एक नया रूल है ध्यान देना जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब के फॉर्म में हो जैसे आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड यहां पर क्या है आई वॉज हंग्री जब इज एम आर वॉज वर क्या हो मेन वर्ब के फॉर्म में हो तो हम इसको पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे हम बींग का इस्तेमाल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका क्या होता है बीइंग होता है कैसे बनेगा हंग्री आई ट माय फूड क्या चीज आपको साथ साथ देखते चलना है सब्जेक्ट सेम है सेम है वर्ब अलग अलग है अलग अलग है दोनों के बीच में टाइम इंटरवल ना के बराबर है तो यहां पर मैं इस चीज को थोड़ा सा मेंशन कर देती हूं हाँ, ये रहा फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होनी चाहिए और रूल नंबर थ्री आपका क्या है टाइम इंटरवल ना के बराबर टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए चलिए अब आप करेंगे अगला क्वेश्चन

बींग वेरी नाइस बींग बहुत ही बढ़िया बनाओ बींग tired ऑफ बॉइल्ड एग्स शी स्टार्टेड टेकिंग ऑमलेट कोई दिक्कत आई किसी को बहुत ही बढ़िया कोई प्रॉब्लम आई बिल्कुल भी नहीं आई राइट द थीफ अ अस ही रैन अवे द ही रैन अवे अब यहां पर क्या हो गया है आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो मुझे दी थीफ दिखाई दे रहा है और मैम यहां पर मुझे ही दिखाई दे रहा है अब मैं क्या करूं मैं तो कंफ्यूज हो गया अब मैं क्या करूं तो कभी कभी क्या होता है एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है होता है या नहीं होता है एक सेंटेंस का अब देखो यहां पर द थीफ हॉर्ड नॉइस एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अरे ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है वेट 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 दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ये मैंने दूसरे वाले एग्जाम्पल आपके लिए ले हुए ठीक है हाँ। ये दूसरा था भाई इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल सुनो आ जा एक तो ये काम नहीं करता है ना पेन जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल एक आपको बोलूं तो मैं बोल सकती हूं आई सॉ रवि ही वॉज अब्यूजिंग हिज ब्रदर आपने ये दो सेंटेंसेस यहां पर देखे राइट right? आप बोलोगे मैम यहां पर आई है और यहां पर ही है अब हम क्या करें दिख रहा है ना सीधा सीधा तो यहां पर अप्लाई होता है कभी कभी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है उस केस के अंदर क्या करें जल्दी बताओ उसके अंदर क्या करें अब यहां पर तो आपको एक दिख रहा है Abusing ये तो पार्टिसिपल के अंदर ही है है ना ये तो पार्टिसिपल के अंदर ही है तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हम कुछ नहीं करना है हमें बिल्कुल सिंपल सा देखो इसका कैसे बनेगा आय सो रवि जो ये सेंटेंस है इसको तो आपने इट इज लिख दिया और जहां पे पार्टिसिपल बन रहा है वहां से अब्यूजिंग हिज ब्रदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सब्जेक्ट को देखना बहुत जरूरी है तो कभी कभी एक वाक्य को जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का आपको क्या मिल सकता है सब्जेक्ट हो सकता है और हो सकता है कि इसके बारे में कुछ बातें कही गई हो अब यहां पर ये जो बातें कही जा रही हैं किसके बारे में रवि के बारे में कही जा रही है, जा रही है? है ना जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में है यहां पर ही वॉज अब्यूजिंग राइट right? तो अब्यूजिंग क्या हो गया पार्टिसिपल हो गया हो गया या नहीं हो गया वेरी नाइस nice. तो सिंथेसिस करते समय इसी कही गई बात को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दो बात क्या कही जा रही थी कि वो अब्यूज कर रहा है अपने ब्रदर को ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर है इसीलिए हम उसको एज इट इज उसके आगे जोड़ देंगे कोई दिक्कत आया हां we saw a we saw a parrot full stop it was sitting on a tree हमने क्या बोला पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है हो सकता है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कुछ तो हमें करना पड़ेगा इसके बारे में ही बात कही जा रही है पैरट के बारे में ही बात की जा रही है क्या बात कही जा रही है कि इट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री वो क्या कर रहा था वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था बेटा यहां पर हम बींग इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वॉज यहां पर मेन वर्ब के रूप में नहीं है वॉज यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है मेरे बच्चे मैंने क्या बोला था आपको मैंने बोला था कि जब वो किसके रूप में हो कहा पहुंच गए जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब के फॉर्म में हो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है।, है ना एक बच्चे ने अभी सवाल किया कि मैम यहां पर हम बींग में क्यों नहीं बदल रहे वॉज आया हुआ है वॉज का रीजन ये वॉज मेन वर्ब के रूप में होना चाहिए आज मैं था क्या भूखा। यहां पर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है वो उस केस में वो मेन वर्ब के रूप में नहीं आ रहा है जो मैं क्वेश्चन दे रही हूं वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है इसीलिए हम इसको बींग में नहीं बदल रहे हैं। आया समझ में आया या नहीं आया बोलो लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गई हो तुम है ना ठीक है पीछे वाले में कौन से पीछे वाले में हाँ तो ही वॉज अब्यूजिंग क्या कर रहा था वो गालियां दे रहा था था क्या कर कार्य क्या कर रहा था गालियां देने का कार्य कर रहा था ऑल्सो ये भी तो मेन वर्ब के रूप में है हाँ ये भी मेन वर्ब के रूप में है यहाँ पर वॉज नहीं है सो so, कैसे बनाएंगे वी सॉ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री वी सॉ अ पैरट तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो और उसके बाद उसके बारे में जो बात कही गई है पार्टिसिपल से एज इट इज उतार दो सिटिंग ऑन अ ट्री आ गया समझ में अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं होगी ना चलो बहुत बढ़िया तो अब हम कोई डाउट मुझे अभी तक तो दिख नहीं रहा है यस yes, ओके okay, हाँ, ठीक है अभी तक मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है विच इज फाइन विच इज ग्रेट आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है ठीक है ना अब होगी क्लास इसके ऊपर कल जब क्या करेंगे हम क्या नहीं लगाते इसमें अरे लगाते हैं भाई लगा दो लगा दो लगा दो लगाते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं लगाते हैं मैंने नहीं लगाया तुम लगा दो चाय नहीं पी हमने अभी तक ठीक है आप लोग लगा दीजिए कॉमा बहुत बढ़िया अगर समझ में नहीं आया क्लास को एक बार वापस से देख लेना हंड्रेड परसेंट समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक एक चीज आप लोगों की क्लियर की गई है पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगी बिल्कुल दूंगी पीडीएफ की टेंशन मत लो हां जी इंपॉर्टेंट है होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देंगे आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी मैं कल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर क्लास होगी ठीक है ना पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट अर्पित सिंह क्या समझ में नहीं आया जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो रुक के अभी डाउट पूछ सकते हैं भाई जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो रुक कर डाउट पूछ सकते हैं जल्दी से जिनको भी कोई दिक्कत है परेशानी है कोई डाउट है वो पूछ लो नो no डाउट बहुत बढ़िया अर्पित सिंह चौहान आप आए लेट हो क्लास के अंदर आपको कुछ नहीं हो सकता सबसे पहले यही ये, ये किया था हमने तो ये वो वाले बच्चों के डाउट है जो लेट आए हैं है ना हाँ तो ये अभी एक ही रूल का जिया फातिमा यूज हुआ है क्योंकि आज हमने ये टॉपिक को शुरू किया था सारे कॉन्सेप्ट हम जान रहे थे कि क्या क्या होता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कितने टाइप्स होते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होगा और उसके बाद फर्स्ट रूल हमने देखा है बाकी के साथ रूल्स अगली क्लासेस में देखेंगे ठीक है क्लास रोज होती है शाम को पांच बजे होती है टाइम बहुत है हमारे पास तसल्ली से अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूं ये मेरा तरीका है बता देना बाकी ठीक है पहचान बताई मैंने सब्जेक्ट सेम होना चाहिए फाइनाइट वर्ब अलग होना चाहिए और टाइम इंटरवल ना के बराबर होना चाहिए ये तीन पहचान है अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मदद करके आपको सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो है ना हाँ। तो वापस से क्लास देख लो लेट आए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा तो तो फिर आपकी दिक्कत है आप लेट आए हो तो वापस से देखना जीरो लेवल से ही पढ़ाया था अर्पित सिंह इससे जीरो लेवल कुछ नहीं होता है पढ़ के देखो एक बार क्लास को वापस से शुरू से हाँ इससे जीरो लेवल अभी मैं तुम्हें पहले एबीसीडी थोड़ी पढ़ाऊंगी जीरो लेवल और क्या होता है तुम्हारे लिए तुम्हारा जीरो लेवल बताओ कि मैम ये जीरो लेवल है तुम्हें जीरो लेवल में मैंने सिंथेसिस का मतलब बताया मैंने सिंपल सेंटेंस का मतलब बताया मैंने क्लॉज का मतलब बताया फिर मैंने तुम लोगों को क्या कंबाइन करना है वो बताया फिर मैंने तुम्हें सारे रूल्स लिखवाए फिर मैंने तुम्हें पार्टिसिपल का मतलब बताया जो जो टर्म यूज हुई है एक एक टर्म का मतलब बताया फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो बताया और जीरो बताओ क्या होता है बताओ बताओ और जीरो से क्या चाहिए क्यों नहीं पढ़ाई इज नॉट द क्वेश्चन बेटा पढ़ाएंगे अभी एक ही दिन में तो आपका सारा कोर्स खत्म नहीं हो सकता टीचर्स को कोर्स खत्म करने में पूरा टाइम लग जाता है, है ना समय दोगे तो ही तो चीजें होंगी वॉज वाला समझ में नहीं आया दीक्षा देवी देखो बेटा आपको वॉज वाला में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बोला जा रहा है केवल एक सिंपल सी बात कि वैसे हम क्या कर रहे थे हम जो भी कार्य पहले हो रहा था उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे थे राइट right? तो हमें क्या करना है अब अगर मान लो हमारे सेंटेंस में वॉज मेन वर्ब के यूज फॉर्म में है जैसे आई वॉज हंग्री वॉज यहां पर मेन वर्ब है हंग्री मेन वर्ब नहीं है मेन वर्ब क्या होती है आपको मेन वर्ब पता है क्या होती है मेन वर्ब होती है एक्शन जो भी क्रिया हो रही है यहां पर हंग्री कोई क्रिया नहीं है हंग्री एक स्टेट है हंगरी एक स्टेट है कि भाई उसे भूख लग रही थी वो उस स्टेट में था तो वॉज क्या कर रहा है उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है पास्ट का है वो कि भाई पास्ट में उस समय उसको भूख लग रही थी है ना तो वो उसके मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है जब इस तरीके से यूज तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं हम बीइंग लगाते है। ठीक है उस केस के अंदर हम बीइंग लगाते हैं। अगले वाले में भी देखो शी वॉज टायर्ड ऑफ बॉइल्ड एग्स वह क्या थी थक चुकी थी यहां पर टायर्ड कोई एक्शन नहीं हो रहा है है ना स्टेट दिखा रहे हैं कि वो थक चुकी है बॉइल्ड एग्स खा खा के आया समझ में ऐसे केसेस में इसका अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बनाना है तो वो बीइंग बनता है बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये इसीलिए इनका पार्टिसिपल बींग बनता है बीई आई एन जी समझ गए अब आपने बोला उसके बाद कि मैम कहा गया वो क्वेश्चन हाँ कि इस वाले क्वेश्चन में वो जो रमेश वाला क्वेश्चन था वहां पर हमने क्यों नहीं किया क्योंकि ये पर हेल्पिंग वर्ब की तरीके से था क्योंकि ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तरीके से था मेन वर्ब के तरीके से नहीं था बेटा इज एम आर वॉज वर्क का पार्टिसिपल बनाना है तो वो बींग होगा इज एम आर वॉज वर्क क्या है बी फॉर्म ऑफ वर्ब है है ना बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है इज एम आर प्रेजेंट होती है और वॉज वर्ग पास्ट फॉर्म होती है टू बी फॉर्म की वर्ब होती है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये इज एम आर वॉज वर वेरी नाइस और कोई दिक्कत ओके वेरी नाइस तो टेंसेस वाली क्लास देखो बेटा बेटा बी बींग बिन पढ़ा है ना बी डबल बी आई एन जी बींग भी पढ़ा होगा बी -E भी पढ़ा होगा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है टू बी फॉर्म की तीन वर्ब्स होती है तीन फॉर्म्स होती हैं टू बी वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं इज एम आर ये प्रेजेंट की होती है वॉज ये पास्ट की होती है ठीक है अब अगर इसका क्या बनाना है हमको क्या बनाना है अगर इसका पार्टिसिपल बनाना है तो हम बीइंग बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो ई आई एन जी बींग बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल बनाना होगा तो हम बिन बनाते हैं बी डबल ई एन अगर आपको याद हो थो. तो इसमें इतना मत घुसो अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है हाँ कल भी पांच बजे क्लास है यस ठीक है चलिए ओके बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट बेटा कुछ चीज समझ में नहीं आती है नहीं आती है नहीं आती है चीखने से कुछ नहीं होगा समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी लगातार क्लासेस लगाओ प्रैक्टिस करो सब आएगा समझ में